हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल टारगेट ईसीएफ। पिछले वीडियो में हम लोग बात किए थे मैथमेटिक्स सॉल्व पेपर पार्ट वन के बारे में। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे बाकी के जो मैथमेटिक्स के क्वेश्चन बच गए थे वो सारे हम लोग सॉल्व करेंगे, और उससे रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है और क्या हो सकता है अगले एग्जाम में और कैसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं बता देता हूँ कि CGPSC प्रिंसिपल ग्रेड 1-2 और प्लेसमेंट ऑफिसर का जो पोस्ट आया हुआ है वैकेंसी, उसके लिए कंप्लीट कोर्स लॉन्च हो गया है हमारे ऐप के थ्रू। तो आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है मेरा टारगेट ACF यूट्यूब, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और सारे कोर्स का सारा डिटेल आपको वहां से मिल जाएगा। इस कोर्स में बेसिकली क्या रहेगा, रिकॉर्डेड और लाइव क्लासेस रहेंगी, PDF नोट्स, टेस्ट सॉल्यूशन और डाउट सेशन, चारों आपका उसमें इंक्लूड रहेगा। ये चारों मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री और इंजीनियरिंग ड्राइंग, ये चारों सब्जेक्ट आपका पूरा कवर किया जाएगा। और टोटल ये 100 क्वेश्चंस का ये पोर्शन बनता है और 50 क्वेश्चन जो है वो CG का बनता है, CGGS का, तो वो इसमें कवर नहीं रहेगा। सिर्फ ये मतलब मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री और इंजीनियरिंग ड्राइंग सब्जेक्ट आपका पूरा कम्प्लीट इसका रिकॉर्डेड और लाइव क्लासेस आप जब भी चाहें बाद में भी देख सकते हैं, और लाइव क्लास आप डेली रेगुलर बेसिस पे अटेंड कर सकते हैं। जो भी PDF आपको, हैंड रिटन नोट्स और जितने भी इम्पोर्टेंट चीज रहेगा आपको सारा चीज ऐप के थ्रू अवेलेबल करा दिया जाएगा, ठीक है। तो इसके बारे में जानकारी के लिए आप टारगेट ACF चैनल टेलीग्राम से आप जाकर देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। और आपने अगर पिछला वीडियो नहीं देखा है मैथ सॉल्व पेपर 2016 वाला पार्ट वन, तो आप यहाँ आई बटन पर क्लिक करके उस वीडियो को पहले देख लीजिए, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं मैथ सॉल्व पेपर आपका पार्ट टू, ठीक है। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। अ लाइन पासेस थ्रू पॉइंट A, 2A एंड -2, 3 एंड इज परपेंडिकुलर टू द लाइन 4S + 3Y + 5 = 0, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ A। तो इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि एक लाइन है जो इस पॉइंट से पास करता है, ठीक है। ये लाइन है पॉइंट, पहला पॉइंट क्या दिया हुआ है A, 2A और दूसरा पॉइंट क्या दिया हुआ है -2, 3। तो ये दोनों पॉइंट से जो है ये लाइन पास करता है, और दूसरा इंफॉर्मेशन दिया हुआ है परपेंडिकुलर टू द लाइन 4X + 3Y + 5 = 0। तो ये एक लाइन और एक लाइन है जिसके परपेंडिकुलर है, जिसका इक्वेशन 4X + 3Y + 5 = 0 है। तो बेसिकली हम लोग जानते हैं क्या आइडियल इक्वेशन क्या होता है स्ट्रेट लाइन का, Y = mx + c, जहां m इसका क्या होता है, m होता है इसका प्रवणता, जिसको क्या बोलते हैं, m = हिंदी में इसको बोलते हैं प्रवणता, या फिर इसको ठीक, तो m क्या है, लाइन का स्लोप है, ठीक है। और स्लोप होता क्या है पहले हम लोग देख लेते हैं। जैसे ये क्या है x एक्सिस, ये y एक्सिस, और कोई भी लाइन जो है ये पास कर रहा है, तो स्लोप होता क्या है, x एक्सिस के साथ कोई एंगल बनाएगा लाइन, मान लो एंगल थीटा है, तो स्लोप क्या होगा, m = tan थीटा, ठीक है। तो tan थीटा बोलिए, या फिर y/x, उस लाइन के लिए y/x का वैल्यू क्या होगा, या tan थीटा क्या होगा, वही क्या होता है, स्लोप होता है उस लाइन का, ठीक है। तो ये हम लोग जानते हैं y = mx + c, ये स्ट्रेट लाइन का आइडियल इक्वेशन है। और दो लाइन अगर कट करते हैं तो पहला चीज क्या होता है, दोनों के स्लोप्स का मल्टीप्लीकेशन या स्लोप्स का प्रोडक्ट क्या होता है, -1। ये आप लोग को इस क्वेश्चन में मालूम होना चाहिए कि दो स्ट्रेट लाइन अगर कट करते हैं और वो 90 डिग्री पर कट करते हैं, मतलब एक दूसरे के क्या हो, परपेंडिकुलर, तो दोनों के स्लोप्स का मल्टीप्लीकेशन या प्रोडक्ट कितना होगा, -1। अब देखिए जो इक्वेशन दिया हुआ है 4X + 3Y + 5 = 0, यहां से हम लोग इस लाइन का क्या निकाल लेते हैं, स्लोप निकाल लेते हैं। कैसे निकालेंगे, 4X + 3Y = 0 उधर जाएगा तो -5, 3Y = इस फॉर्मेट में ला रहे हैं हम लोग, इस इक्वेशन को इस फॉर्मेट में ला रहे हैं y = mx + c, ताकि हम लोग को क्या पता चल जाए m और c इस लाइन के लिए, ठीक है। तो 3y = ये हो गया y = -4/3x - 5/3। अगर इस इक्वेशन को इस इक्वेशन से कंपेयर करेंगे तो m का वैल्यू क्या आएगा, -4/3, और c का वैल्यू क्या आएगा, -5/3, ठीक है। तो c पर यहां हम लोग ज्यादा कॉन्सेंट्रेट नहीं करेंगे, किस पे करेंगे, m पे, क्योंकि हम लोग को क्या चाहिए, इस लाइन का स्लोप चाहिए, ठीक है। तो इस लाइन, ये क्या हो गया हम लोग का, जो लाइन पासेस थ्रू पॉइंट ये दिया हुआ है, इसका इक्वेशन निकालना है,
तभी हम लोग को क्या मिलेगा, ए का वैल्यू मिलेगा। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पर एम का वैल्यू क्या आता है, इसके लिए क्या है, एम टू का वैल्यू -4/3, तो एम वन का वैल्यू क्या होगा, -1/m2, तो कितना हो जाएगा -1/m2 का वैल्यू -4/3। ठीक, माइनस से माइनस कैंसिल हुआ, क्या आया 3/4। तो ये आ गया हमारा जो लाइन का इक्वेशन फाइंड करना है उसके लिए m का वैल्यू। ठीक है, दूसरा चीज हम लोग देखते हैं, अगर कोई भी लाइन जो है किसी पॉइंट से पास कर रहा है तो उस लाइन का जो इक्वेशन है वो ये दोनों पॉइंट उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे, मतलब एक्स और वाई का जो वैल्यू रहेगा ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। वैसे ही ये दोनों जो वैल्यू है ये भी इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो देखते हैं ये दोनों वैल्यू को पुट करके इक्वेशन को फाइंड करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो ये इसको मैं इरेज कर देता हूं। यहां से m का वैल्यू क्या आया था, 3/4, m इज इक्वल टू 3/4। तो देखिए y इज इक्वल टू mx प्लस c में m का वैल्यू पुट कर देते हैं, y इज इक्वल टू 3/4 x प्लस सी। ठीक, अब ये हम लोग को इक्वेशन मिल गया अपना स्ट्रेट लाइन का, जो लाइन परपेंडिकुलर है इस लाइन के और इन दोनों पॉइंट से पास करती है। तो एक एक करके हम लोग देखते हैं, पहले ए वाला क्या है, आपका वेरिएबल है, तो इसका जो कांस्टेंट वाला पोर्शन है उसको पुट करके देखते हैं। तो वाई की वैल्यू क्या, ये एक्स की वैल्यू, ये वाई की वैल्यू, पुट कर दीजिए, वाई का वैल्यू 3 इक्वल टू 3/4, एक्स का वैल्यू -2 प्लस सी। तो यहां से हम लोग सी का वैल्यू निकाल सकते हैं, तो क्या हो जाएगा, 3 इक्वल टू -3/2 प्लस सी। तो यहां से सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 + 3/2, 3 + 3/2 क्या होगा, 9/2। ठीक, तो सी का वैल्यू आ गया 9/2। अब इसी क्वेश्चन में सी का वैल्यू अगेन पुट कर देंगे, तो y इज इक्वल टू 3x/4 प्लस 9/2। ठीक, तो ये हम लोग का क्या आ गया, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। दूसरा चीज क्या बोला है, ये पॉइंट तो हम लोग यूज कर लिए, अब क्या बचा, a और 2a, तो इस पॉइंट से भी तो ये लाइन सेटिस्फाई करेगा x और y के ये वैल्यू के लिए। तो y का वैल्यू 2a और x का वैल्यू a, फिर से इस इक्वेशन में पुट कर दीजिए, y का वैल्यू क्या, 2a इक्वल टू 3/4, x का वैल्यू a प्लस 9/2। तो यहां से सॉल्व करेंगे क्या आ जाएगा, 2a माइनस 3/4a इक्वल टू 9/2। ठीक, तो 2a माइनस 3/4a कैसे सॉल्व होगा, 8a माइनस 3a डिवाइडेड बाय 4 इक्वल टू 9/2। 8 में 3 क्या कितना आया, 5/4a इक्वल टू 9/2। तो a का वैल्यू क्या आ जाएगा, 9 × 4 डिवाइडेड बाय 5 × 2, तो 2 कैंसिल हुआ, 9 × 18/5। तो a का वैल्यू आ गया आपका 18/5। तो आंसर क्या होगा, a का वैल्यू 18/5, यही हम लोग को फाइंड करना था। ठीक है, तो समझ आया होगा, सबसे पहले क्या किया, लाइन पासिस थ्रू पॉइंट, दो पॉइंट दिया हुआ है परपेंडिकुलर टू पॉइंट लाइन, ये वाला तो दो लाइन परपेंडिकुलर होगा तो दोनों का क्या होगा, स्लोप का प्रोडक्ट -1 होगा, ये फैक्ट हम लोग को मालूम होना चाहिए। हम लोगों ने क्या किया, इस लाइन का स्लोप निकाला y इज इक्वल टू mx प्लस c से कंपेयर करके, m और c का वैल्यू निकल गया, m का वैल्यू निकला, तो इस लाइन के साथ इस लाइन का m का वैल्यू निकाल लिए, m1 × m2 = -1 से, तो m का वैल्यू आया कितना, 3/4। तो उसको अब बेसिक इक्वेशन ऑफ लाइन में हम लोग पुट कर दिए, y इज इक्वल टू 3x 3/4x प्लस सी, और बाकी दोनों पॉइंट से हम लोग सेटिस्फाई करा के क्या निकाल लिए, ए का वैल्यू। ठीक है, तो समझ में आया होगा इस क्वेश्चन, ऐसे ही क्वेश्चन जितने भी स्ट्रेट लाइन के हैं सारे हम लोग अपने क्लास में डिस्कस करेंगे आगे, और अच्छे अच्छे क्वेश्चन हम लोग करेंगे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे पोजिशन ऑफ पॉइंट दिया हुआ है 4,1। ठीक है, तो अगर इसको हम लोग इसमें बनाएंगे तो 4,1 यहाँ लगभग आएगा, 4,1। ठीक है, 4,1 यहाँ कोई खड़ा हुआ है। ठीक है, मतलब यहाँ एक पॉइंट दिया हुआ है 4,1, इसका तीन ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है, तीन ट्रांसफॉर्मेशन करना है,
एक के बाद एक, मतलब पहले क्या करना है, रिफ्लेक्शन अबाउट लाइन y इज इक्वल टू x। तो y इज इक्वल टू x लाइन क्या होता है, ये वाला, ठीक है, ये लाइन क्या है, y इज इक्वल टू x, x का वैल्यू जीरो रखेंगे तो y का वैल्यू क्या आ जाएगा, जीरो, ऑरिजिन से पास करता है। तो इस लाइन के रिफ्लेक्शन निकालना है इसका, तो क्या होगा देखिए, या तो आप डायरेक्ट कर सकते हैं इसको कि यहां जो भी इसका वन का फोर का वैल्यू होगा वो ऊपर आ जाएगा, एक्स एक्सिस का जो वैल्यू होगा मतलब फोर, वो वाई एक्सिस का बन जाएगा, एक पॉइंट यहाँ, इसका रिफ्लेक्शन यहां बनेगा, तो ये क्या जाएगा कॉमा फोर, और वन जो है वो यहाँ आ जाएगा, मतलब जो एक्स की वैल्यू होगी वो वाई की वैल्यू बन जाएगी, वाई की वैल्यू एक्स की वैल्यू बन जाएगी। तो ये हो गया क्या, रिफ्लेक्शन अबाउट वाई इज इक्वल टू एक्स। तो नया कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा, वन कॉमा फोर, ठीक है। अब टू यूनिट्स ऑन द पॉजिटिव एक्स एक्सिस डायरेक्शन, तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस में टू यूनिट प्लस करना है, ठीक है, टू कौन सा वाला में, एक्स कंपोनेंट में, तो वन एक्स कंपोनेंट है तो वन प्लस टू क्या हो जाएगा, थ्री, थ्री कॉमा फोर, ये हो जाएगा। तो रिफ्लेक्शन अबाउट लाइन वाई इज इक्वल टू एक्स कर लिए, टू यूनिट्स ऑन द पॉजिटिव एक्स ये भी हो गया। अब क्या बोल रहे हैं, रोटेशन ऑफ पाई बाई फोर अबाउट ऑरिजिन इन द काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक है। तो काउंटर क्लॉकवाइज क्या होता है, ये क्या होगा क्लॉकवाइज और ये वाला काउंटर क्लॉकवाइज, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला होता है, इसका डायरेक्ट फॉर्मूला क्या होता है, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा और साइन थीटा कॉस थीटा, ये होता है। अगर किसी पॉइंट, किसी भी पॉइंट को रोटेट किया जाए थीटा एंगल से, जैसे यहां पर कोई पॉइंट है, इसको थीटा एंगल से रोटेट किया जाए अबाउट ओरिजिन, ठीक है। तो थीटा एंगल से अगर किसी पॉइंट को रोटेट करेंगे तो नया कोऑर्डिनेट उसका क्या होगा, तो ये इसके लिए क्या है, डायरेक्ट फॉर्मूला है, ठीक है। और इस लाइन का इक्वेशन क्या हो जाएगा, थ्री, थ्री कॉमा थ्री बाई थ्री एंड फोर। तो ये क्या है, एक मैट्रिक्स है और ये भी एक मैट्रिक्स है। तो हम लोग मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन से हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो कैसे फाइंड करेंगे, तो कॉस थीटा पहले मल्टीप्लाई हुआ थ्री से, तो क्या आ जाएगा, थ्री कॉस थीटा, साइन थीटा मल्टीप्लाई होगा फोर से, तो माइनस फोर साइन थीटा, ठीक। और साइन थीटा मल्टीप्लाई होगा थ्री से, तो देखिए ये पहला जो वैल्यू आएगा ये क्या होगा, एक्स कंपोनेंट होगा, ठीक है। और दूसरा वैल्यू क्या आएगा, ये तो हो गया पहला, दूसरा वैल्यू साइन थीटा इंटू थ्री और कॉस थीटा इंटू प्लस कॉस थीटा इंटू फोर, मतलब फोर कॉस थीटा, ठीक। तो ये क्या जाएगा, वाई कंपोनेंट। अब देखिए थीटा का वैल्यू कितना दिया हुआ है, पाई बाय फोर, पाई बाय फोर का मतलब क्या होगा, पाई का वैल्यू क्या रखिए, 180 डिग्री डिवाइडेड बाई फोर, कितना आ जाएगा, 45 डिग्री। तो यहां से देखिए 3 cos थीटा, cos 45 का वैल्यू क्या होता है, 1 by root 2, तो 3 by root 2 minus 4 sin थीटा, sin 45 का वैल्यू भी 1 by root 2, तो divided by root 2, क्या हो जाएगा, minus 1 by root 2, 3 minus 4 क्या हो जाएगा, minus 1 by root 2, ये क्या हो जाएगा, x component, और यहां y का बात करेंगे तो 3 into 1 by root 2, 3 by root 2 plus 4 by root 2, ठीक है, sin 45 cos 45 1 by root 2, तो 3 plus 4 कितना आ जाएगा, 7 by root 2, तो आंसर क्या आ जाएगा, x comma y जो ट्रांसफॉर्म्ड कोऑर्डिनेट्स हैं, मतलब इसका क्या बोलेंगे, निर्देशांक क्या आ जाएगा, minus 1 by root 2 and 7 by root 2, तो ये इसका क्या होगा आंसर। अब इस क्वेश्चन में देखिए क्या देखना था, रिफ्लेक्शन अबाउट लाइन y इज इक्वल टू x, तो इसका रिफ्लेक्शन कैसे फाइंड करते हैं, जो x होता है वो क्या बन जाएगा y, और जो y होता है वो क्या बन जाएगा x, ये पता होना चाहिए आपको। दूसरा, टू यूनिट्स ऑन द पॉजिटिव x एक्सिस डायरेक्शन, तो ये तो बहुत इजी है, x कंपोनेंट में क्या कर दिए, 2 प्लस कर दिए, y सेम रहेगा। रोटेशन ऑफ पाई बाई फोर अबाउट ऑरिजिन, तो ऑरिजिन के अलॉन्ग जो भी रोटेशन है उसके लिए डायरेक्टली क्या यूज करना है, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा, ठीक है, इससे इसको मल्टीप्लाई करना है, मतलब जो कोऑर्डिनेट को रोटेट करना है, मान लीजिए यहां पर क्या था, x कॉमा
वाई था, तो ये एक्स कॉमा वाई क्या हो जाएगा, 3 और 4, ठीक है। तो इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, पहला जो वैल्यू आएगा वो क्या होगा, एक्स, मतलब ये कंपोनेंट जब मल्टीप्लाई होंगे तो एक्स का वैल्यू आएगा, और ये वाले कंपोनेंट जब 3 और 4 से मल्टीप्लाई होंगे तो वाई का वैल्यू आएगा। थीटा का वैल्यू पुट कर दिए पाई बाय 4, क्या आ जाएगा आंसर, -1/√2, 7/√2, ठीक। तो ऐसे क्वेश्चन हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन वाले जितने भी आ सकते हैं, और एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज डायरेक्शन, और इसके अलावा बहुत सारा, किसी लाइन के अलावा अगर इसका मिरर इमेज निकालना हो, है ना, तो ये सारे क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे जब इसकी क्लास होगी बेसिकली। तो ठीक, तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो क्या दिया हुआ है, दीर्घवृत्त एलिप्स का नाभिलंब की लंबाई निकालनी है, लैटस रेक्टम की लेंथ निकालनी है, और इक्वेशन क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस 4y² प्लस 8y - 2x + 4 = 0, ये इक्वेशन दिया हुआ है, ठीक है। तो अपन क्या जानते हैं, पहली बात तो लैटस रेक्टम का लेंथ, पहली बात दीर्घवृत्त या फिर एलिप्स का आइडियल इक्वेशन, या फिर क्या बोलते हैं उसको, बेसिक इक्वेशन, स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होता है, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1, ठीक है। तो ये क्या होता है, एलिप्स का बेसिक इक्वेशन, स्टैंडर्ड इक्वेशन होता है, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग क्या होगा, जो लैटस रेक्टम का लेंथ आता है, लैटस रेक्टम आएगा 2b² / a। अगर हम इस इक्वेशन को इस फॉर्मेट में ले आते हैं तो लैटस रेक्टम का लेंथ क्या होगा, 2b² / a, ये अपन को पता है, ठीक। तो इसको कैसे करना पड़ेगा, इस फॉर्मेट में अरेंज करना पड़ेगा, ठीक है। तो कैसे अरेंज करेंगे, तो देखते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 8y, 2 - 2x क्या दिया है, एक्स एक्स वाले को एक साथ कर लीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस 2x, और वाई स्क्वायर के साथ क्या हो गया, 4y² प्लस 4y² प्लस 8y, ठीक। तो यहां देखिए बेसिकली क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2x, अगर इसको ध्यान से देखेंगे तो एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर उसी के जैसा नहीं दिख रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, तो यहाँ बस प्लस 1 की कमी है, ठीक। और यहाँ देखिए प्लस 1 है यहाँ इक्वेशन में, ठीक है, तो प्लस 1 को यहाँ अरेंज कर सकते हैं, तो ये अपना कंप्लीट हो गया, क्या हो गया, एक्स माइनस 1 स्क्वायर। देखिए एक्स स्क्वायर हो या एक्स माइनस 1 स्क्वायर हो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ऑरिजिन को जब हम लोग शिफ्ट करेंगे तो एक्स कोऑर्डिनेट को एक्स माइनस 1 में, वाई कोऑर्डिनेट को वाई माइनस बी या जो भी रहेगा उसमें अपन चेंज कर सकते हैं, लेकिन बेसिक इक्वेशन उससे डेविएट नहीं होगा, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 यहां से क्या हो जाएगा, एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर, और दूसरा 4y², 4y² को मैं ऐसा लिख सकता हूं ना, 2y होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2y इंटू 2 2 4, 4 2 8, ठीक है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, 2 बचेगा, यहां पर मैं फिर से क्या लिखना पड़ेगा, 2 स्क्वायर, तो ये ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर के फॉर्म में आ गया, लेकिन ये 2 स्क्वायर तो इसमें है नहीं, तो इस 2 स्क्वायर के साथ यहाँ पर -2 स्क्वायर भी करना पड़ेगा बैलेंस करने के लिए, ठीक है। तो ये तो फिक्स हो गया, एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस ये अपना इक्वेशन के अकॉर्डिंग अरेंज हो गया, इक्वल टू क्या दिया हुआ है, 0, ठीक। तो हम लोग क्या किए, एक्स माइनस ए होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी होल स्क्वायर इस फॉर्मेट में अपन अरेंज कर रहे हैं, इस फॉर्मेट में अरेंज कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इस फॉर्मेट में आएगा तभी हम लोग इस फॉर्मेट तक पहुंच पाएंगे, यहाँ x के जगह x माइनस 1 x प्लस 1 कुछ भी रहे कोई दिक्कत नहीं है, y के जगह y माइनस 1 y प्लस 1 कुछ भी रहे दिक्कत नहीं, लेकिन नीचे जो है उस पर डिपेंड करेगा क्या, लैटस रेक्टम का लेंथ, ठीक है, क्योंकि आपका जो एलिप्स है ये ओरिजिन पे भी इसका सेंटर हो सकता है या फिर कहीं और भी इसका सेंटर हो सकता है, मान लीजिए यहां पर है, तो ये क्या हो गया, इसका सेंटर शिफ्ट हो गया, क्या हो गया, शिफ्ट हो गया, उस वजह से x माइनस 1 और y माइनस 1 या x प्लस 1 y प्लस 1 जो भी डेविएशन आ रहा है वो शिफ्ट की वजह से, ठीक है। तो लैटस रेक्टम की लेंथ तो उससे चेंज होगी नहीं, जो भी इसका मतलब ज्योमेट्री फिक्स रहेगा, इसका शेप फिक्स रहेगा, ठीक है। तो यहाँ हम लोग इस फॉर्मेट में लाने की कोशिश कर रहे हैं, तो यहाँ देखते क्या हो जाता है, एक्स माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस 2y 2y प्लस 2 होल स्क्वायर
इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये टू स्क्वायर जो है उधर जाएगा, टू टू फोर, या फिर इसको टू स्क्वायर ही रहने देते हैं। ठीक, तो यहाँ पर हम लोग बेसिक एक इक्वेशन देख सकते हैं, x माइनस वन होल स्क्वायर प्लस टू वाई प्लस टू। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए वन है, तो इसको वन करने के लिए इसको इधर डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसको क्या से डिवाइड कर देंगे, फोर से डिवाइड करेंगे, या टू स्क्वायर ही रहने दीजिए, क्योंकि ये भी स्क्वायर फॉर्म है, ये भी स्क्वायर। तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ वन हो जाएगा। ठीक, अब ये स्क्वायर है, दोनों में जाके एक्स माइनस वन बाई टू होल स्क्वायर प्लस टू वाई प्लस टू डिवाइडेड बाई टू, तो टू टू कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, वाई प्लस वन डिवाइडेड बाई वन, क्योंकि टू तो कैंसिल हो गया, टू 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 कैंसिल हो गया, और इसका होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये पूरा एक होल स्क्वायर के फॉर्म में आ जाएगा इक्वल टू वन। अब देखिए यहाँ कंपेयर करेंगे तो a का वैल्यू कितना आ रहा है, टू आ रहा है, y b का वैल्यू कितना आ रहा है, वन आ रहा है, और लेट अस रेक्टम की लेंथ क्या होती है, टू बी स्क्वायर बाई ए। ठीक है, तो लेंथ क्या हो जाएगा, टू इंटू बी स्क्वायर कितना, वन स्क्वायर बाई ए कितना, टू, टू से टू कैंसिल हुआ, कितना आ गया, वन यूनिट। तो यही इसका आंसर होगा, लेट अस रेक्टम की लेंथ क्या आ जाएगी, वन यूनिट। समझ आया, तो ये स्टैंडर्ड इक्वेशन से अपन पूरा कंपेयर करके इसको सॉल्व किए। यहां पर देखिए x माइनस वन और y प्लस वन आया है, इसका मतलब क्या है, अगर मैं इसका वैल्यू जीरो पुट कर रहा हूं तो ये क्या हो जाएगा, माइनस वन, y का वैल्यू जीरो पुट करूंगा तो प्लस वन, मतलब माइनस वन और प्लस वन जो कोऑर्डिनेट होगा, माइनस वन और प्लस वन कहीं अलग जगह पे होगा, ओरिजिन पे तो होगा नहीं, x का वैल्यू माइनस वन मतलब ये, y का वैल्यू प्लस वन, तो इसका जो सेंटर होगा वो यहां शिफ्ट हो चुका है एलिप्स का। ठीक, इसका बेसिकली मीनिंग ये है। देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, टावर्स ऑफ अ ब्रिज हैंग इन द फॉर्म ऑफ पैराबोला। ठीक है, तो टावर्स ब्रिज में, एक ब्रिज दिया हुआ है, ब्रिज में दो टावर्स हैं जो किस फॉर्म में लटके हुए हैं, पैराबोला के फॉर्म में। ठीक है, तो ये वायर है, ये पैराबोला बनाएगा, और इसमें जो है बहुत सारे स्ट्रिंग्स लगे हुए हैं जो कि ब्रिज को बैलेंस कर रहे हैं। ठीक है, तो इस दोनों, इसकी लेंथ कितनी दी हुई है रोड से, 30 मीटर्स दोनों टावर्स की, और दोनों के बीच का डिस्टेंस 200 मीटर्स। ठीक है, और ये मिनिमम लेंथ जो रोड से इसका स्ट्रिंग का है उसको 5 मीटर दिया हुआ है। यहाँ निकालना ये है अपन को, 30 मीटर्स फ्रॉम द मिडिल, मतलब बीच से 30 मीटर्स, या तो इधर जाइए या इधर जाइए, पर जो केबल होगी उसकी लेंथ हम लोग को फाइंड करनी है। ठीक है, तो देखिए बहुत ईजी क्वेश्चन है, देखने में लग रहा होगा बहुत हार्ड है, अभी अपन सॉल्व। सबसे पहले देखते हैं पैराबोला का स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पैराबोला। तो अगर इस तरह से कोई पैराबोला अरेंज है, y एक्सिस के अलोंग उसका मुंह अगर खुला हुआ है, तो उसका इक्वेशन होगा x स्क्वायर इक्वल टू फोर ए वाई। ठीक है, ये स्टैंडर्ड इक्वेशन होता है, x स्क्वायर इक्वल टू फोर ए वाई। ठीक है, अगर फोर ए को हम लोग डायरेक्टली k भी लिखेंगे तो भी यहाँ पर हम लोग इक्वेशन लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर इक्वल टू के वाई। इस इक्वेशन के हिसाब से अगर देखें तो ये जो पॉइंट है पैराबोला का, ये ओरिजिन से पास होना चाहिए, कहां से, ओरिजिन से पास होना चाहिए। ठीक, हो गया जीरो कॉमा जीरो, वैसा ही ये वाला जीरो कॉमा जीरो। दूसरा चीज देखिए, एक्स का, एक्स वाई का जो वैल्यू होगा जिस पॉइंट से भी ये पास करेगा उसको ये सेटिस्फाई करेगा। यहां पर जीरो कॉमा जीरो से पास हो रहा है तो जीरो कॉमा जीरो सेटिस्फाई करेगा। और दूसरा चीज, यहाँ इस पॉइंट से और इस पॉइंट से भी पास हो रहा है, और इस पॉइंट का अपन को कोऑर्डिनेट या निर्देशांक निकालना अगर पड़े तो निकाल सकते हैं, क्योंकि 100 एक्स हो गया, मतलब ये एक्स डायरेक्शन में 100 और वाई डायरेक्शन में ये कितना हो गया, टोटल 30 है, हम लोग ऑरिजिन 5 मीटर अप में माने हैं, तो मतलब इसका टोटल लेंथ कितना हो गया 30, जबकि नीचे से हम लोग कितना दूर 5 मीटर ऊपर जाके ऑरिजिन लेकर चल रहे हैं, तो ऊपर के जो बचे हुआ लेंथ है वो कितना हो जाएगा 25 मीटर्स। ठीक, तो y का वैल्यू 25 मीटर्स, x का वैल्यू 100 मीटर्स। ठीक, तो यहां से हम लोग k का वैल्यू निकाल सकते हैं, x 100 हो गया इक्वल टू k इंटू y का वैल्यू 25, तो k का वैल्यू कितना आ जाएगा 100 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 25, k का वैल्यू आ जाएगा 400।
यहां से देखिए इसको यहां पुट करते हैं तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 400 इंटू वाई, इसका स्टैंडर्ड इक्वेशन हो गया जो हम लोग को मिलेगा इस पैराबोला का। अब ये पैराबोला जो है यहां पर अगर हम लोग एक पॉइंट फाइंड करेंगे तो उसका एक्स और वाई इसको सेटिस्फाई करेगा। तो देखिए 30 मीटर पे इसका लेंथ निकालना है तो एक्स का वैल्यू क्या रख दीजिए 30, तो 30 इंटू 30 इक्वल टू 400 वाई, यहां से वाई निकल जाएगा 9/4, वाई कितना आ गया 9/4। तो यहां से अपन क्या लिख सकते हैं 9/4 का मतलब क्या होगा, 9/4 वो लेंथ होगा जो इस एक्स एक्सिस से होगा, मतलब ये वाला लेंथ, ठीक। ये कितना आएगा 9/4, और इसमें 5 मीटर हम लोग ने शिफ्ट किया हुआ है जबकि क्वेश्चन में टोटल लेंथ ऑफ स्ट्रिंग पूछा हुआ है रोड से लेके यहां तक। तो 9/4 प्लस एच, अगर एल निकालना है तो 9/4 प्लस क्या करना पड़ेगा 5 करना पड़ेगा क्योंकि 5 तो हम लोग ओरिजिन शिफ्ट किए हैं। तो कितना आ जाएगा 9 + 20/4 मतलब 29/4 ये वो लेंथ होगा, ठीक है। और इसको अगर यहां भी जाएंगे तो यहां से भी निकाल सकते थे -30 लेके या 30 लेके, दोनों से निकाल सकते थे लेंथ कितना आ गया 29/4 इज द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, इफ द डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन इज 0 फॉर ऑल वैल्यू ऑफ x देन द फंक्शन इज, मतलब फंक्शन का नेचर क्या होगा। तो ये बोल रहा है अगर कोई फंक्शन है मान लीजिए ये, तो इसका डेरिवेटिव जो है इज इक्वल टू 0। बेसिकली डेरिवेटिव होता क्या है, मान लो ये फंक्शन है तो इस पॉइंट पे इसका डेरिवेटिव क्या होगा, तो इसका टेंजेंट ही इसका क्या होता है डेरिवेटिव, ठीक। टेंजेंट या फिर स्लोप, किसी भी फंक्शन का जो डेरिवेटिव होता है मतलब डिफरेंशिएट करते हैं अगर उस फंक्शन को तो जो आपका इक्वेशन बनेगा वो उसका टेंजेंट या स्लोप का इक्वेशन बनेगा, ठीक। तो यहां पर अगर स्लोप 0 है मतलब थीटा इक्वल टू 0 तो टेन थीटा 0, ठीक है, थीटा 0 डिग्री, टेन थीटा का वैल्यू कितना 0। तो बोलने का मतलब ये है कि जो इसका फंक्शन होगा वो कंटिन्यूअसली 0 होगा, मतलब इस तरह से, तभी तो इसका क्या होगा डेरिवेटिव 0 होगा। तो ये फंक्शन क्या हो जाएगा, एक्स के वैल्यू बढ़ने पर या कम होने पर क्या नहीं हो रहा है, वाई के वैल्यू चेंज नहीं हो रहा, तो इसको क्या बोलेंगे कॉन्स्टेंट फंक्शन। जैसे कि y इज इक्वल टू क्या हो गया a, y इज इक्वल टू a, डिफरेंशिएशन करे भी इसका dy by dx तो क्या हो जाएगा 0, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, तो ये कांस्टेंट फंक्शन होगा, क्या होगा कांस्टेंट फंक्शन, तो इसका आंसर हो जाएगा कांस्टेंट, ठीक है। इसको देखते हैं, फंक्शन दिया हुआ है log at the base x, log x ये दिया हुआ है, फाइंड f dash x, f dash x at x equal to e, तो x इक्वल टू e पर क्या निकालना है डेरिवेटिव निकालना है fx का, f डैश x का मतलब क्या होता है fx का डेरिवेटिव मतलब डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक। तो क्या हो जाएगा सॉल्यूशन d by dx ऑफ fx, कैसे निकालेंगे, सबसे पहली बात एट द बेस ऑफ x को हम लोग को चेंज करना पड़ेगा क्योंकि इसका डिफरेंशिएशन पॉसिबल नहीं हुआ, तो इसके लिए फॉर्मूला होता है log at the base of a b equal to log at log b divided by log a, ठीक है। at the base of e ले लीजिए या किसी का भी बेस ले लीजिए, ये दोनों बेस सेम होना चाहिए, तो log b by log a, तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, इसका चेंज कर सकते हैं हम लोग fx को, एफ एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा log log b, तो b जो है वो यहां जाएगा log ऑफ log x, ठीक, डिवाइडेड बाय log ऑफ x, क्या हो जाएगा log ऑफ x, ठीक है। a क्या है यहाँ x है और b क्या है log x है, तो log ऑफ log x डिवाइडेड बाय log x, ये हो जाएगा फंक्शन। तो फंक्शन को हम लोग रिडिफाइन कर लिए इस रूप में,
अब देखिए क्या निकालना है, f डैश x मतलब डेरिवेटिव ऑफ f x, तो d बाय डी एक्स कर लीजिए, ठीक, d बाय डी एक्स ऑफ एफ एक्स। तो इसमें क्या करना पड़ेगा अपन को, log ऑफ log x ये एक फंक्शन हो गया और डिवाइडेड बाय log x ये एक फंक्शन हो गया, तो दो फंक्शन का डिवीजन है, या अपन इसको दो फंक्शन का मल्टीप्लिकेशन भी ले सकते हैं, किसका, 1 by log x into log of log x, ठीक, डिफरेंशिएशन आप कैसे भी कर सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन के रूप में भी कर सकते हैं, डिवीजन के रूप में भी कर सकते हैं। तो इसका डिफरेंशिएशन होता क्या है, फर्स्ट फंक्शन 1 by log x into डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन, तो log of log x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 1 by log x। अब जो भी फंक्शन के अंदर फंक्शन होता है उसका मल्टीप्लीकेशन करके डिफरेंशिएट करते हैं, तो d by dx of log x, तो क्या हो जाएगा, 1 by x plus second function log of log x into differentiation of 1 by log x, तो 1 by x के हिसाब से करेंगे तो minus 1 by x square, क्या जाएगा, minus 1 by, और x के जगह क्या है, log x है, तो माइनस वन बाई लॉग एक्स का स्क्वायर, मतलब लॉग एक्स को कंप्लीटली एक्स मान के हम लोग पहले डिफरेंशिएट करेंगे, फिर लॉग एक्स को एक फंक्शन मान के उसका डिफरेंशिएशन करेंगे और उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 1 बाई एक्स, तो ये हम लोग का आ जाएगा। अब यहाँ देखिए लॉग एक्स का स्क्वायर यहाँ भी है, लॉग एक्स का स्क्वायर यहाँ भी है, एक्स यहाँ भी है, तो डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, एक्स लॉग एक्स का स्क्वायर, ऊपर में क्या आ जाएगा, यहाँ 1 और यह माइनस लॉग ऑफ लॉग एक्स, ये हुआ। अब देखिए इसको और सिंप्लीफाई तो नहीं कर सकते, तो क्या करेंगे, एक्स इक्वल टू ई पुट कर देते हैं, तो यहां क्या जाएगा, 1 माइनस लॉग ऑफ लॉग ई, लॉग ई क्या होगा, एट द बेस ई है, यहां क्या है, एट द बेस ई लिए है, तो क्या हो जाएगा, 1 log of e क्या हो जाएगा, 1 और log 1 0, तो 1 minus 0 divided by log of e 1, तो x क्या जाएगा, 1 by x, और x का वैल्यू भी तो e है, x का वैल्यू क्या है, x का वैल्यू भी e है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, 1 by e, तो ये अपना आंसर आ जाएगा, 1 by e, आंसर क्या होगा, 1 by e, ठीक। तो यही आंसर था अपना क्वेश्चन का, क्या दिया हुआ था, एफ एक्स लॉग एट द बेस एक्स लॉग एक्स, तो पहले हम लोग बेस कन्वर्ट किए, बेस कन्वर्जन फॉर्मूला, लॉग बी मतलब ऊपर वाला और नीचे वाला, मतलब जो बेस रहेगा वो नीचे लॉग बन जाएगा, लॉग ए, ठीक है, इस फॉर्मूला से चेंज किए, और दो फंक्शन अगर मल्टीप्लाई है तो उसका डेरिवेशन कैसे करते हैं, फर्स्ट फंक्शन इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड फंक्शन प्लस सेकेंड फंक्शन इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, ठीक। दूसरा चीज, एक फंक्शन का डिफरेंशिएशन करना है जो कि ऑलरेडी एक्स के पहले क्या करेंगे, उसको एक्स मान के करेंगे, उसके बाद इनटू उस फंक्शन का डिफरेंशिएशन, तो यही चीज यूज करके अपन क्या कर लिए, लास्ट में एक्स का वैल्यू ई पुट करके वैल्यू निकाल लिए, ठीक, तो समझ आया होगा आपको। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, दिया हुआ है रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन 8x² - 10x + 3 = 0 आर अल्फा एंड बीटा स्क्वायर, तो ये इक्वेशन का दो रूट्स हैं, अल्फा और बीटा स्क्वायर, जहां पर क्या दिया है, बीटा स्क्वायर इज ग्रेटर देन 1/2, तो फाइंड करना है इक्वेशन, एक ऐसा इक्वेशन जिसके रूट्स क्या होंगे, अल्फा प्लस आई बीटा की पावर 100, अल्फा माइनस आई बीटा की पावर 100। तो देखिए इस क्वेश्चन को बनाने के लिए सबसे पहले अल्फा और बीटा का वैल्यू हम लोग निकाल के एक बार देखते हैं, ट्राई करके, 8x² माइनस 10x प्लस 3 = 0। नॉर्मली अपन क्या करते हैं, इसको और इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 8 × 3 कितना आया, 24। दो ऐसे नंबर्स में डिवाइड करेंगे 10 को, जिनका एडिशन क्या हो जाएगा, एडिशन या सब्ट्रैक्शन, एडिशन यहाँ माइनस है, तो एडिशन क्या होगा, 10 और मल्टीप्लाई करेंगे तो 24, तो क्या होगा, 6 and 4, 8x² - 4x - 6x + 3 = 0, यहां से 4x कॉमन आ जाएगा, 2x माइनस 4x कॉमन आएगा तो 2x माइनस 1,
माइनस थ्री कॉमन आएगा तो 2x माइनस 1 इक्वल टू 0, x का वैल्यू क्या आ जाएगा 1 बाई 2 एंड x का वैल्यू क्या आ जाएगा 3 बाई 4। ठीक, तो x का दो वैल्यू आ गया 1 बाई 2 एंड 3 बाई 4। बोल रहे बीटा स्क्वायर इज ग्रेटर देन 1 बाई 2, तो इसमें से एक अल्फा होगा एक बीटा स्क्वायर होगा, तो बीटा स्क्वायर 1 बाई 2 से ग्रेटर है तो 1 बाई 2 तो हो नहीं सकता, तो क्या होगा 3 बाई 4। तो अल्फा क्या हो जाएगा, अल्फा का वैल्यू हो जाएगा 1 बाई 2, बीटा स्क्वायर हो जाएगा 3 बाई 4। ठीक, ये अपन लोग निकाल लिए। अब देखते हैं, ये बोल रहा है ऐसा ही क्वेश्चन जिसका रूट्स क्या हो अल्फा प्लस आई बीटा की पावर 100 अल्फा माइनस, तो अल्फा प्लस आई बीटा और अल्फा माइनस आई बीटा फाइंड कर लेते हैं। ठीक, तो अल्फा क्या है 1 बाई 2 और बीटा स्क्वायर है, तो बीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा अंडर रूट 3 बाई 2, 4 का अंडर रूट 2, अंडर रूट 3 बाई 2, ये आ जाएगा बीटा का वैल्यू। अब देखिए अल्फा प्लस आई बीटा, यहाँ पहले ये जान लेते हैं आई क्या होता है। आई होता है एक इमेजिनरी नंबर, मतलब माइनस 1 का अंडर रूट होता है। ठीक है, इसको बोलते हैं आयोटा, और ये क्या होता है एक इमेजिनरी क्वांटिटी होता है, इमेजिनरी नंबर होता है। ठीक, तो यहां से देखिए अल्फा प्लस आई बीटा, अल्फा क्या है 1 बाई 2 प्लस आई क्या हो जाएगा आई, और बीटा अंडर रूट 3 बाई 2। वैसे ही अल्फा माइनस आई बीटा क्या हो जाएगा 1 बाई 2 माइनस आई अंडर रूट 3 बाई 2। और आप लोग को मालूम होना चाहिए ये वाला जो जो वैल्यू है, ये दोनों वैल्यू क्या है ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर। अब यहाँ ओमेगा क्या है, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी ही ओमेगा है। ठीक, तो इसको मैं इरेज कर देता हूँ, देखिए तो क्या निकल के आया 1 प्लस आई अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाई 2 एंड 1 माइनस आई अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाई 2, ये दोनों क्या आ जाएगा इक्वेशन के रूट्स। ठीक, अब ये है एक इक्वेशन होता है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0, इसको सॉल्व करते हैं तो क्या आता है एक्स का वैल्यू ये दोनों आता है। ठीक है, गिवन गिवन जो वैल्यू है वो आता है, जो क्या होता है क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, क्या होता है क्यूब रूट ऑफ यूनिटी ओमेगा होता है। ठीक, मतलब क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, वन का अगर क्यूब रूट निकालेंगे तो एक तो क्या आएगा वन आएगा, और क्या आएगा ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर ये आएगा। तो डायरेक्टली इसका फॉर्मूला होता है ये ओमेगा की पावर क्या हो जाएगा, अब इसको सॉल्व करते हैं। ये आपको मालूम होना चाहिए ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर की ये वैल्यू है बोल के, तभी आप इस क्वेश्चन को बना पाएंगे, अदरवाइज नहीं बना पाएंगे। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा ओमेगा की पावर 100 एंड ओमेगा की पावर ओमेगा स्क्वायर की पावर 100। तो ओमेगा की पावर 100 एक्चुअल में होता क्या है, ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1 होता है। ठीक, तो यहाँ क्या हो जाएगा ओमेगा क्यूब के फॉर्मेट में अगर लेंगे हम लोग इसको, तो ओमेगा की पावर 3 की पावर 33 इंटू एक ओमेगा बच जाएगा, और यहाँ पर ओमेगा स्क्वायर ओमेगा की पावर 200, ये इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं ओमेगा 198 यहाँ तक आएगा इंटू ओमेगा स्क्वायर। क्यों 198 किए, क्योंकि 3 के टेबल में आना चाहिए, तभी इसको हम लोग क्या कर सकते हैं ओमेगा क्यूब इक्वल टू 1 कर सकते हैं। तो इसका वैल्यू हो जाएगा 1 और ये ओमेगा स्क्वायर, इसका वैल्यू भी हो जाएगा 1 और ये ओमेगा। तो एक ऐसा इक्वेशन जिसके रूट्स क्या हो ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर, तो मैं बताया आपको ये इक्वेशन क्या होता है, ऐसे निकाल भी सकते हैं, इसको बोलते हैं एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स। ठीक, सम ऑफ रूट्स इनटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इक्वल टू 0, ये होता है एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसके रूट्स गिवन हो। तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट दिया हुआ है, निकाले हम लोग ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर,
और एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट्स ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर क्या हो जाएगा वन हो जाएगा ओमेगा क्यूब वन हो जाएगा इक्वल टू जीरो। यहाँ एक चीज और ध्यान देने वाली है कि वन प्लस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाता है जीरो हो जाता है। ये भी इसका बेसिक प्रॉपर्टी है जैसे कि ये वाला जो फॉर्मूला आया था वन बाई टू ये भी इसका बेसिक प्रॉपर्टी मतलब इसका क्या है वैल्यू है एक्चुअल में ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर का और वन प्लस ओमेगा स्क्वायर जीरो होता है ये इसका बेसिक प्रॉपर्टी। तो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू क्या हो जाएगा यहाँ से माइनस वन इसमें पुट कर दीजिए तो एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस एक्स प्लस वन इक्वल टू जीरो ये आपका वही क्वेश्चन आ जाएगा जिसका रूट्स ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर है मतलब ये और ये आपका आंसर हो जाएगा ठीक।